अस्सलाम वालेकुम। आज पहला रोज़ा जो है वो अपने अहतमाम को है, तो इफ्तारी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे भड़े, जो उस दिन हमने बनाकर फ्रीज़ किए थे। इनको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो इनको पहले बनाकर रख लेते हैं। इनका पानी निचोड़ लेंगे और इस तरह से हम इन्हें एक बर्तन में जोड़ लेंगे। चीज़ें हमने बनाकर इसलिए रखी थी कि इफ्तारी से थोड़ी देर पहले तमाम चीज़ें जो है जल्दी जल्दी बन जाएंगी। ये समोसे रोल वगैरह जो हैं, इनको भी हमने आधा घंटा पहले निकाल कर बाहर रख दिया था। अभी थोड़ी देर में ये भी फ्राई हो जाएंगे। तो ये भड़े जो हैं हमने सारे निकाल कर जोड़ लिए हैं। ये देखें, अब इनका दही बना लेते हैं। तकरीबन 1 किलो इसमें दही डालेंगे। ये देखें, अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये दही हमारा तैयार हो गया है। अब इस दही को इन भड़ों के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। तो ये देखें, दही हमने अच्छी तरह से फैला लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ग्रीन चटनी, थोड़ी सी केचप डाल देंगे और साथ ही हम इमली की चटनी डालेंगे। तो ये हमने डाल दिया इसके ऊपर चाट मसाला, ये कंप्लीट है। अब हम बनाएंगे चाट, सफ़ेद चना चाट। इसके लिए हमने तकरीबन 1 कटोरी चने लिए हैं। जो फुल्कियाँ हमने उस दिन बनाई थी उनको हमने भिगो कर रखा हुआ था। अब उनका पानी निचोड़ कर इसमें डाल देंगे। अब इनको भी हमने निचोड़ कर इसमें डाल दिया है। 1 अदद खीरा है, उसको ब्रीक काटा हुआ है। ये टमाटर है, उसको ब्रीक काटा हुआ है। ये शामिल करेंगे इसके अंदर। ये आलू है तकरीबन 1/2 किलो, वो शामिल कर देंगे। 1 ब्रीक कटा हुआ प्याज है, थोड़ी सी बंद गोभी है। ये 1 अदद लाल मूली है, 1/2 किलो दही, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसके ऊपर ये डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इमली की चटनी है, इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी की हम पहले रेसिपी दे चुके हैं। ये चाट मसाला है, ये चाट भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये है शहतूत 1 पाव, इसका हम शरबत बनाएंगे। इसको हमने धोकर अच्छी तरह से पानी इसका निचोड़ लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे शुगर सिरप तकरीबन 1 कप के बराबर और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। शहतूत का शरबत हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो तिनके वगैरह हैं वो निकल जाएं। ये हम 1 गिलास के करीब पानी डाल रहे हैं। छान लिया अच्छी तरह से और जो उसके अंदर छिलके वगैरह थे उसके तिनके वो सारे निकाल लिए हमने। एक जग में हमने पहले से बर्फ़ डाल ली है, अब ये इसके अंदर डाल देंगे। तो शहतूत का शरबत हमारा तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का शरबत, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी का पल्प, ये हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, ये हमने डाल दिया। क्यूब डालेंगे इसके अंदर 3 से 4। अब इसके अंदर डालेंगे पुदीना, इसको भी हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ, ये देखें 1 चम्मच। काला नमक 1/2 चम्मच और शुगर सिरप जो है वो 1 कप के करीब डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम बर्फ़ जो हमने पीस बना के रखे हुए हैं। बर्फ़ हमने डाल ली। अब इसमें डालेंगे हम सोडा। अगर आपके पास प्लेन सोडा नहीं है तो आप स्प्राइट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 अप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करेंगे हम मिक्स। अब थोड़ा सा सोडा और डाल देंगे। ये स्ट्रॉबेरी सोडा बन गया, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। अब बनाएंगे हम लेमन सोडा। ये लेमन के क्यूब्स हैं हमारे पास, ये डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 अदद। काला नमक। अब इसमें डालेंगे हम बर्फ़। शुगर सिरप तकरीबन 1/2 कप। अब इसमें डालेंगे सोडा।
तो लीजिए हमारा लेमन सोडा भी तैयार है। अब हम जो आखिरी ड्रिंक बना रहे हैं ये है संदल का शरबत। इसके लिए सबसे पहले डालेंगे हम बर्फ, संदल का शरबत करीबन हाफ कप, शुगर सिरप हाफ कप। अब इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम तुखमे बलोंग, इसको भी हमने पहले भिगो कर रखा हुआ था। तो ये था हमारा शरबत तैयार हो गया है, शरबते संदल। तो चलिए हम आपको अपनी तैयारी दिखाते हैं। मैं तकरीबन एक घंटे से उधर काम कर रही थी तो मेरी बेटी ने ये देखे समोसे रोल वगैरह फ्राई करने शुरू कर दिए हैं, तो ये थोड़ा सा काम रह गया। तो इफ्तारी का जितना सामान है हमारा वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि दस्तरखान कैसा बना हमारा। तो देखिए मेरे बच्चों ने दस्तरखान भी सजा दिया है। खाना जो है हम इफ्तारी के बाद नहीं खाते, इशा की नमाज पढ़ने के बाद खाते हैं। अब इफ्तारी करेंगे। तो यहाँ पे होती है हमारी ये वीडियो ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।